हमारा कान किसी चीज को सुनता कैसे है? साउंड वेव जैसे हमारे कान के अंदर गई। सबसे पहले वो टकराती है कान के पर्दे से, जिसे ईयर ड्रम कहते हैं। इसी से तीन छोटी छोटी हड्डियां जुड़ी रहती हैं। जो भी साउंड वेव कान के पर्दे से टकराई है वो वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करती है इन तीन छोटी छोटी हड्डियों से। ये तीन छोटी छोटी हड्डियां जुड़ी रहती हैं कॉक्लिया नाम के स्ट्रक्चर से। ये क्या करती हैं? इस एनर्जी को ट्रांसमिट करेंगे ये इस कॉक्लिया के अंदर। और कॉक्लिया अंदर से बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है और छोटे छोटे हेयर सेल रहते हैं। वाइब्रेशन होने पर ये हेयर सेल मूव करने लगते हैं। इनके नीचे से जुड़ा रहता है नर्व जो सीधे ब्रेन में जाता है, इस वाइब्रेशन को सेंस करता है और ब्रेन इसे इंटरप्रेट करता है। तब कहीं जाकर हमें सुनने का परसेप्शन होता है, हम किसी चीज को सुन पाते हैं। जब आप ईयरफोन लगाते हो, ईयरबड लगाते हो, क्या होता है? एक तो आपका कान का पर्दा सोर्स ऑफ साउंड से बहुत ही कम दूरी पर होता है। जब आप बहुत ही तेज आवाज में गाना सुनते हो ईयरफोन से एक लिमिट के बाद, तो लाउड साउंड में दरअसल बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है। कान के पर्दे से इन तीन छोटी छोटी हड्डियों से होते हुए कॉक्लिया में जैसे ही ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन ट्रांसमिट होगी, कॉक्लिया में मौजूद हेयर सेल बहुत ही तेजी से वाइब्रेट होने लगते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा तेज आवाज सुनते हो ईयरफोन से, तो ये हेयर सेल इतना तेजी से वाइब्रेट होने लगते हैं कि ये इतने ज्यादा एनर्जी को हैंडल ही नहीं कर पाते हैं और डैमेज हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और शुरुआत में तो कान में सीटी की तरह आवाज आने लगती है, क्योंकि इतने तेज वाइब्रेशन को ब्रेन भी प्रोसेस नहीं कर पाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही अगर ये हेयर सेल खुद को हील न कर पाए, अगर ये इस स्थिति में न रहे, तो हेयर सेल परमानेंट डैमेज और आपको एक हद तक एक हाई फ्रिक्वेंसी का बहरापन हो जाएगा। आप तेज आवाज सुन ही नहीं पाओगे, या पास जाकर आपको कोई कुछ बोलेगा तभी आप सुन पाओगे। अगर हेयर सेल बहुत ज्यादा डैमेज हो गए जो साउंड वाइब्रेशन को प्रोसेस करते हैं, या पूरे के पूरे, तब तो आपको परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाएगा, आप बहरे हो जाओगे सदा सदा के लिए। ईयरफोन लगाने से कान में एयर नहीं जाती है, एयर नहीं जाती है तो वही पुरानी बासी एयर कान में रह जाती है। हमारे शरीर के हर एक पार्ट पर सदा से ही पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस सदा से रहते ही हैं। ईयरफोन लगाने से कान में मॉइस्चराइजेशन ट्रैप हो जाता है, बैक्टीरिया के लिए एक बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट बन जाता है, पैथोजेंस वहां पर स्प्रेड होने लगते हैं और वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन होगा, वहां पर केमिकल्स आएंगे, केमिकल्स पूरे कान को सुजा देंगे। अगर इन्फेक्शन अंदर तक पहुंच गया, इनर ईयर को इन्फेक्ट कर दिया, तो सीवियर केस में व्यक्ति को बहरापन भी हो सकता है, क्योंकि उससे भी हेयर सेल डैमेज हो सकते हैं और वेस्टिबुलर सिस्टम जो हेड को बैलेंस करता है, जो कॉकलिया के पीछे होता है, वो भी इससे अफेक्टेड हो सकता है। ईयरबड जब भी यूज कीजिए 40-45 मिनट से ज्यादा ईयरबड यूज मत कीजिए, और मीडियम वॉल्यूम में, जितनी कैपेसिटी है उसकी, हाई वॉल्यूम सुनने की उसका 50%। मिलते हैं अगले वीडियो में।